मई के शुरुआती दिनों में ही नूह जिले में जल संकट भीषण रूप ले चुका है। शहर हो या गांव, हर तरफ पानी को लेकर हाहाकार है। ऐसे में पीने के पानी के लिए सबसे ज्यादा लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। इधर विभाग खाना पूर्ति करने में जुटा हुआ है। सूखे नाले, तालाब, खेत और पानी की बूंदों के लिए तरसते लोग। कृषि प्रधान देश भारत के किसानों की स्थिति किसी से छिपी नहीं। खेतों में पानी पहुंचे, इसके लिए सरकार ने नहरें तो बना दी, लेकिन उनमें पानी की एक बूंद नहीं। किसान सिंचाई के लिए बूंद बूंद पानी को मोहताज है। कुछ ऐसे ही हालातों से जूझ रहे हैं नूह जिले के आकेड़ा, दिहाना, मालव और रानिका क्षेत्र के हजारों किसान। किसानों का कहना है कि नहर में पानी न आने के कारण न तो हरे चारे की बिजाई हो पा रही है, और जिन किसानों ने हरे चारे की बिजाई कर दी है उन्हें पानी नहीं मिलने की वजह से लगातार फसल सूखने की कगार पर है। तो वहीं नहर में पानी न होने की वजह से अब मवेशी भी पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। पानी के लिए पशु परेशान है, नहर में पानी आ नहीं रहा है। डीसी को भी कल ज्ञापन दिया था हमने, कुछ लोगों ने सरपंच के साथ में मिलकर, तालाब सूखे हुए हैं, जो पशु आपको दिख रहे हैं इस पानी के लिए ही तरस रहे हैं। किसानों का कहना है कि वो कई बार लघु सचिवालय में डीसी, एडीसी के अलावा सिंचाई विभाग के अधिकारियों से मुलाकात कर शिकायत दे चुके हैं, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। पानी के लिए डी साहब से मिलना चाह रहे थे जी, लेकिन डी साहब जो है वहाँ मौके पर मौजूद नहीं थे, और गांव के तालाबों में पानी है नहीं, पशु जो है वो पानी के लिए भटकते फिर रहे हैं। नहीं, एक्चुअली हमारी जो नहरें हैं वो टर्न वाइज चलती है, ये इशू मुझे कुछ दिन पहले पता लगा है, और मैंने अपने हायर अथॉरिटी से भी बात कर ली है, तो आश्वासन मिला है कि आज रात तक पानी वहाँ के लिए पहुँच जाएगा। देखना यह है कि किसानों की बार बार गुहार लगाने के बाद कब किसानों की सुनी जाती है।